फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिडोस। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। मैं इस वीडियो में अगस्त 2021 के मोस्ट 100 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। ये मास्टर वीडियो होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाले सारे एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप देख रहे हैं अगस्त 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसएन प्रधान जी को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो का प्रमुख अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशा भोसले जी। प्रधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि मुझे 100 प्लस क्वेश्चंस कवर करने और भी काफ़ी कम समय में। क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारम्भ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक ही सीमित था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आज का, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनंद राधाकृष्णन को। बात करें ग्राफिक कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। भारत बिल पे की नई सीईओ कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नुपुर चतुर्वेदी जी। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे पहनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैदई डोंगरे को। मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदई डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य सरकार ने। केरल पुलिस ने सार्वजनिक निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरिक का निधन हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड देश के। इंग्लैंड और डर्बीशायर के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरिक का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड की एसेस श्रृंखला की दो जीत में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। निशान नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा एंड इसरो ने। नासा इसरो जो इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है को
2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसके द्वारा उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन को मापा जाएगा। आप देख रहे हैं अगस्त 2021 के 100 इम्पोर्टेंट प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्री 2021 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस्टेबान ओकॉन। बात करें एस्टेबान ओकॉन अल्पाइन रेनॉल्ट फ्रांस ने हंगरी के मोगियो रोड में हंगोरिंग में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। एस्टेबान ओकॉन की यह पहली F1 रेस जीत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को। भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले इन्होंने 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इशरु उडाना। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इशरु उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इन्होंने श्रीलंका की तरफ से 21 एक दिवसीय और 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर शहर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल किया है। आप देख रहे हैं अगस्त 2021 के मोस्ट 100+ करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन शेडोज जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उपन्यासकार कुणाल बसु की इन एन आइडियल वर्ल्ड किस वर्ष प्रकाशित होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा किया कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आइडियल वर्ल्ड अगले साल रिलीज होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपको डिटेल्स में वीडियो देखना हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो को मॉर्निंग में ज़रूर देखा करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 है, MotoGP इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन अब्राहम को। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी MotoGP के लिए अपना मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार दहिया जी। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। 5 अगस्त 2021 को 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जाबुर युगुयो ने 7-4 से मात दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3.35%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में किसने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। भारत के युवा जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मद्रास उच्च न्यायालय ने। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा पारित एक कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पोकर, रमी और अन्य कौशल आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर अब तक 60 लाख की कुल अनुरोध संख्या के साथ 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है। चलिए आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताते हैं कि सीईओ अमिताभ चौधरी जी, हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य के HCTIMST में शुरू हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य के। देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज यानी HCTIMST में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सेलेंस इन HF में आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धृति बनर्जी जी। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी VM कनाडे जी को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें मैं आपको अगस्त 2021 के मोस्ट 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 है, BRO ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर उसे काला कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस्ट पुलवामा नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मनन भट्ट ने। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस्ट पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम रहीसी जी ने शपथ ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान देश के नए राष्ट्रपति के रूप में। इब्राहिम रहीसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर याद रखें। आंसर इसका बी कर्नाटक राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नथन एलिस। बात करें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नथन एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपना डेब्यू किया है। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक विकेट भी लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विश्व शेर दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त को। विश्व शेर यानी सिंह दिवस हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला 2 योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला नामक सरकार की मुफ्त LPG कनेक्शन योजना के दूसरे संस्करण को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसे 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस राष्ट्र सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राष्ट्र सरकार ने। आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। तब से इस काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले काकोरी कांड के सालगिरह के अवसर पर योगी सरकार जी ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपाल भेंगरे जी का। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 9 अगस्त 2021 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सान टेट को। बात करें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज सान टेट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सान टेट को 9 अगस्त को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस बैंक ने नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुमंधित किया गया है। RBI के वर्तमान गवर्नर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वंदन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राज्य ने। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वंदन वार्षिक पुरस्कार 2021 पर नागालैंड को 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अर्जुन मुंडा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 अगस्त को। दुनिया भर में युवा मददों की ओर सरकार और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इस बार का थीम जरूर नोट कर लें, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आप देख रहे हैं अगस्त 2021 के मोस्ट 100 प्लस करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो। वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किसने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। DRDO ने उड़ीसा तट से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप
बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को पीछे छोड़ दिया है। बात करें इसकी दावा बिजनेस जर्नल निके एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जरूर डेट याद रखें आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 122वें स्थान पर। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी में भाग लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरबिया देश के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साकिब अल हसन को। बात करें बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी के जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने यानी जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ब्रिटिश कंपनी हाउस एफ्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस एफ्रेस द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत और चौथे पर मंगोलिया आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग से एक लाइक की उम्मीद ज़रूर होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदौर शहर को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर शहर को हाल ही में केंद्र से प्रमाण पत्र भी मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता शहर में। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे डूरंड कप कहा जाता है 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में पीएम मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन का याद दिलाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैप्टन जोया अग्रवाल को। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें मैं आपको 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहा हूँ। इसे आप रिवीजन वीडियो के तौर पर ज़रूर देखें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकुमार राव को। री कॉमर्स मार्केट प्लेस पैलेस कैसीफाई ने घोषणा किया है कि उसने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म कौन सी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का बाजार पूंजीकरण पहली बार 3 लाख करोड़ पर पहुँच गया है। TCS, इंफोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी आईटी फर्म बन गई है। चलते हैं आपको HCL के बारे में। HCL टेक्नोलॉजीज के CEO विजय कुमार जी, इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बिंडावास को रामसर स्थल के रूप में यानी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, या किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। हाल ही में भारत के 4 और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दे दी गई है। स्थल गुजरात के वधवाना, वाथोल और हरियाणा के सुल्तानपुर और मिंडावास में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हाल ही में किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह जी ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने गिर, कांग्रेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहल लॉन्च की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहन चोरी या नकद और 1 लाख रुपये तक की वस्तुओं की चोरी से संबंधित ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। हाल ही में कथा क्रांति वीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी किशन रेड्डी ने। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों की घोषणा की है। 4 नए जिले मोहला मानपुर, शक्ति सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मानेंद्रगढ़ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने नए वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 75 नई वंदे भारत ट्रेनें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2021 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने स्वतंत्रता दिवस 21 के अवसर पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से मैं ऐसे वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्षित राजा। पूरे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन में GM बनने की उपलब्धि हासिल की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्स न्यू दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। हाल ही में किसने तालिबान के समर्थन वाली
सामग्री यानी कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। बात करें किस राष्ट्र सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद शहर। ब्रिटिश कंपनी हाउसेटर्स द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक घोषित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हाल ही में किसने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय अकेडमी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो 5 सितंबर 2021 को हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, TCS कंपनी। TCS कंपनी ने 17 अगस्त 2021 को 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। ऐसा करने वाली TCS रिलायंस के बाद भारत की दूसरी कंपनी बनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। MAMI फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो MAMI फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख दंदा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में अभी से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें मैं आपको 2021 के 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरे स्थान पर है। बात करें ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा किस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है? चलिए आपको जरूर याद रखना, वियतनाम पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने परसेंट लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9.4%। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित करके 9.4% कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। विश्व फोटोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। बात करें ऑस्ट्रेलिया फोटोग्राफर कॉस्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ला गणेशन को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। गणेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ला गणेशन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह जी का। बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज भाजपा नेता कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त 2021 को हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कल्याण सिंह के नाम पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी कम समय में करना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली शहर में। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया है। अमेरिकी तकनीक से बनाया स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन विकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना देश ने। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड विकफील्ड ने वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन को पहले स्थान पर कायम रखा है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक लाभ वाले गंतव्यों का आकलन किया है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैथी होचुल। बात करें कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कैथी होचुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने 34 उबरों को एक साथ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन वेब ने। बात करें भारतीय समूह समर्थित वन वेब ने निम्न पृथ्वी के कक्षा में 34 उपग्रहों के लॉन्च की पुष्टि की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरीश पार्थवनी जी को। बात करें वरिष्ठ राजनयिक हरीश पार्थवनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पार्थवनी भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के
अधिकारी और फिलहाल विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हरीश पार्थ वानिनी जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर ज़रूर याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना देश की सीमा के पास। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। किस राज्य के शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए एक मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य के। बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पवनदीप राजन जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन डेनमार्क को। बात करें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आते हैं। बात करें इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 90 आज का। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक संपादक कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, KJ अल्फोंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शहर। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 CCTV लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। आप देख रहे हैं अगस्त 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। एक ही दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 टीके लगाकर किस देश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया देश ने। 27 अगस्त 2021 को भारत ने एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही देश में कुल टीकाकरण अब तो लगभग 70 करोड़ के पार पहुँच गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ।
WRI और किसने फोरम पर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। भारत के नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट WRI ने मिलकर 23 अगस्त 2021 को भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। सोनू सूद देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किस राज्य के सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सोनू सूद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ICICI बैंक के MD और CEO पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संदीप बक्सी जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से संदीप बक्सी की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। किस शहर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट्स ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य के। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले बीपी सिंह बंदौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। भारत के नेतृत्व में इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2023 को। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको 100+ इम्पॉर्टेंट अगस्त 2021 के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित रोहिदास को। भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के सुंदरगांव जिले के रोहिदास को राज्य के खेल एवं युवा सेवा मंत्री टीके बेहड़ा ने पुरस्कार दिया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमित रोहिदास जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं अवनी लेखरा जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। हाल ही में किसने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, SP सेतु रमन। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेतु रमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत
लिया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एसपी सेतु रमन जी। ऐसे ही मंथली और डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में उन सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर किए हैं, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।